तो हम बनाना शेक बना रहे हैं स्मॉल साइज़। तो इसमें हम देखो 2 बनानाज लेंगे, 1 एंड 2, 2 बनानाज लिए। और अब देखना, अब इसमें हम डालेंगे, ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर के हमने चाशनी बना रखी है, तो 2 स्पून शुगर ऐड करेंगे, 1 2। अब शुगर अपन अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा बनाएं, किसी को कम पसंद है तो कम बनाएं। उसके बाद में हम 1 स्पून वनीला आइसक्रीम डालेंगे। ये वनीला आइसक्रीम है, ये हमने 1 स्पून वनीला आइसक्रीम ऐड करी। अब हम इसको मिक्सर पे मिक्स करेंगे। देखा, बनाना थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसको बंद करके दूध ऐड कर देंगे। अभी स्मॉल गिलास है, स्मॉल गिलास के हिसाब से हम दूध ऐड करेंगे इसमें। तो ये हमारा दूध है, ये हमारा दूध है। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं, स्मॉल गिलास है तो हाफ गिलास हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से मिक्सर से मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्सर को मिक्स किया, मिक्सर चला दिया है, ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब हम लेंगे, हम सर्व करने के लिए इसको ग्लास लिया, चॉकलेट की कोटिंग करेंगे, ये चॉकलेट गिरा था। बिल्कुल यम्मी यम्मी तैयार है, ये देखो कितना यम्मी है। अब हम इसमें 1 स्पून वनीला आइसक्रीम और ऐड करेंगे। हम वनीला आइसक्रीम और ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम टूटी फ्रूटी लच्छा, हम अब देखो ये टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट और ऐड कर सकते हो, स्मॉल साइज में हम फ्रूटी फ्रूटी और अच्छा ही करते हैं। ये सर्व करने के लिए तैयार है, अब हम इसको कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। कस्टमर बैठे हमने कस्टमर को सर्व कर दिया। ये हमारा बैकग्राउंड है, पीछे बैठने की सीटिंग है, ये हमारी शॉप है, ये फ्रंट है, ये देखो ऐसे डिस्प्ले कर रखा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।